अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद आज तकरीबन 3 महीने के बाद हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आज मैं लाया हूँ बीकॉम, बीए, बीएससी, एडीसी, एडीए, एडीएस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, उसका एक एग्जामिनेशन पेपर जो जिसका ना एग्जामिनेशन पेपर एडीए एसोसिएट डिग्री आर्ट्स यानी प्राइवेट वाले स्टूडेंट ने जो अभी रिसेंटली दिया है पेपर, और साथ में रेगुलर ने भी दिया है, प्राइवेट और रेगुलर दोनों ने एडीए का जो पेपर दिया 2023 के अंदर तकरीबन या अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर ही ऐसे हुआ होगा, मुझे डेट याद नहीं है। ये पेपर मेरे पास टाइम नहीं था, बीमार था, मैं एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था तो मैं पेपर सॉल्व नहीं कर सका। तो आज ये मैं पेपर आपके सामने, पहला क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 1, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का, ठीक है, अनदेखा जो है पैसेज जो है जिसमें आपके आप जिसके जो इससे पहले आपने कभी देखा ही नहीं है वो पैसेज है, वो पैराग्राफ दिए गए हैं, 2 पैराग्राफ दिए गए हैं इसके अंदर, और नीचे फिर इसके सवाल दिए गए हैं कि इन सवाल के जवाब दें। तकरीबन एफ ए बी सी डी ई एफ तक के सवाल हैं, हर सवाल 5-5 नंबर का सवाल है, और उसके अलावा उसी सवाल से का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है जिसमें कहा गया है पैसेज की समरी लिखने के लिए। अच्छे खासे स्कोर बन जाता है आपका दोनों सवाल करने से, ठीक है। आज हम मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने पैसेज दिया है इसके अंदर, मैं पढ़ के इसका ट्रांसलेशन के साथ समझाऊंगा, इसके मुश्किल अल्फाज की मीनिंग भी बताऊंगा, और जो क्वेश्चन दिए उनके जवाब भी दूंगा, ठीक है। ये जॉब्स और कैरियर के बारे में स्टूडेंट के हवाले से ये पैसेज दिया गया है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स। तो आप मेरे इस चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे सब्सक्राइब भी करें लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल चलेगा तो हम आपके प्रॉपरली जल्दी जल्दी लेक्चर और बनाएंगे और पेपर हल करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जैसे ही हौसला अफजाई होगी आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के देखने से, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ बैठ के, ठीक है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये मैंने हाथ से हैंड राइटिंग में लिख लिया, मेरे पास क्वेश्चन पेपर थोड़ी देर के लिए आया था तो मैंने उसको हैंड राइटिंग में लिख लिया था आपके सामने, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो सामने रख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पेपर है एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, प्राइवेट और रेगुलर दोनों उम्मीदवार ने 2023 में दिया है, शायद ये अगस्त के बाद ही पेपर हुआ है, सितंबर अक्टूबर के अंदर किसी तारीख के अंदर पेपर हुआ है, नहीं पता जो अभी दिया जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है। ये पार्ट 1 का पेपर है, एडीए पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर है, कंपलसरी इंग्लिश होती है जो। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे पैसेज हल करे हैं, आप कर भी रहे होंगे, देख रहे होंगे। अब सवाल पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। दर जेल पैसेज यानी इबारत को पढ़ें अच्छी तरीके से, ठीक है, और उसके नीचे दिए गए सवाल के जवाब दें। ये इस सवाल की इंस्ट्रक्शन है, हिदायत की गई है। अब ये नीचे पैसेज दिया गया है, 2 पैराग्राफ के अंदर है ये, तो मैंने कुछ अल्फाज जो मुश्किल थे यहाँ पे, जो इनके मतलब भी बताऊँगा, और बहुत सो के उसके आगे मैंने हाईलाइट कर लिया है, इनके मतलब भी बताऊंगा आपको, और इसके अलावा भी बहुत से जो मतलब आपको नहीं इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किए वो भी मतलब बताता रहूँगा। पहले ट्रांसलेशन साथ साथ करता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, आपको हो सकता है हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए मेरी। चलिए जी पैराग्राफ पढ़ते हैं अनसीन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, नज़र आ रहा है आपको, देखें मैं आपके सामने सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ूंगा, ठीक है, फिर उसका जो है आपके सामने सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ूंगा, फिर उसकी ट्रांसलेशन करूंगा साथ में, ताकि आपको समझ में आता रहे। आप इसमें मुझे कमेंट्स क्या करें कि अगर आपको समझ में आया है नहीं आया, कितना बेहतर है या और बेहतर करूं, मुझे कमेंट्स करें, और इसको आप जितनी तेज़ी से लोगों तक पहुँचाएँगे उतनी हम हमारी हिम्मत बढ़ेगी, तो हम और तेज़ी से पेपर सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, बिफोर इम्बार्किंग ऑन
आ जर्नी टू चूज अ कैरियर कॉमा इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ कैरियर फुल स्टॉप। एक सेंटेंस हो गया इसका। हम इसका तर्जु आपके सामने मतलब बताते हैं। इसका मतलब बनता है इस तरह कैरियर का इंतखाब करने के लिए अपने सफर का आगाज करने से पहले काम और कैरियर के दरमियान फर्क को समझना जरूरी है, या एम्बार्किंग का माने आगाज करना, शुरू करना, इसेंशियल माने जरूरी के लिए। ठीक है, कैरियर आपका मुस्तकबिल होता है जिसको आप लेके जाओ। डिफरेंस माने फर्क, अंडरस्टैंड माने समझना, बिटवीन यानी अ जॉब एंड कैरियर के बारे में फर्क को समझना। ठीक है, दोबारा तर्जुमा कर देता हूँ। कैरियर का इंतखाब करने के लिए अपने सफर का आगाज करने से पहले काम और कैरियर के दरमियान फर्क को समझना जरूरी है। बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी, सफर को बोलते हैं जर्नी। एम्बार्किंग माने आगाज करना सफर का, सफर के आगाज करने से पहले। बिफोर माने पहले। टू चूज अ कैरियर, इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ कैरियर। आप अच्छी तरीके से पैसेज को अच्छी तरह समझा जाता है पढ़ के, फिर इसके मुताबिक उसके सवाल के जवाब देते हैं। अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं हल्के हल्के पढ़ रहा हूँ, हर अल्फाज का मतलब दूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर टू। अ जॉब, जॉब काम को बोलते हैं। ठीक है, नौकरी वगैरह कोई भी काम को। अ जॉब इज द वर्क वन माने कोई भी, वन डस टू अर्न माने कमाना, पैसे वगैरह कमाते हैं नौकरी करके ना, वन डस टू अर्न मनी। सेंटेंस खत्म, मतलब बताते हैं इसका। वर्ड मीनिंग मैंने बता दी, मनी माने पैसे भी होते हैं। इसका तर्जुमा बनता है इस तरीके से, नौकरी वो काम है जो कोई पैसे कमाने के लिए करता है। अ जॉब माने नौकरी, इज द वर्क वो काम है, वन जो कोई, डस टू अर्न करता है, अर्न मनी पैसे कमाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर थ्री पढ़ते हैं इसका पैराग्राफ का। इट मे बी फुल टाइम टू मेक लिविंग और पार्ट टाइम टू सपोर्ट अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक टर्म। टर्म यानी टाइम होता है, मुद्दत होती है एकेडमिक का। ठीक है ना, इदारे का, तालीम इदारे का टर्म टाइम। तो इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, इसमें कोई वर्ड मुश्किल है। इट मे बी फुल टाइम पूरा वक्त, टू मेक लिविंग गुजारा करना, और पार्ट टाइम जो है कुछ हिस्सा वक्त का, टू सपोर्ट मदद देने के लिए स्टूडेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक टर्म यानी एकेडमिक तालीमी मुद्दत के दौरान। चले इसका अब मैं ट्रांसलेशन सही तरीके से करता हूँ सेंटेंस के मुताबिक। ये तो मैं वर्ड टू वर्ड मतलब बता रहा था। इस सेंटेंस नंबर थ्री की ट्रांसलेशन इस तरह है, ये गुजारा करने के लिए पूरा वक्त हो सकता है, या तालीमी मुद्दत के दौरान तालबे इल्म की मदद के लिए पार्ट टाइम हो सकता है। ठीक है, पूरा वक्त के लिए फुल टाइम, और पार्ट टाइम माने वक्त का कोई हिस्सा होता है, टू सपोर्ट मदद करने के लिए स्टूडेंट तालबे इल्म की ड्यूरिंग द एकेडमिक टर्म। ठीक है ना, तालीमी मुद्दत बोलते हैं इसको। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर फोर पढ़ता हूँ मैं, ये पैराग्राफ नंबर वन चल रहा है इसका। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी एंड डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर अ प्रोफेशनल डिग्री कॉमा और फ्यूचर प्लानिंग फुल स्टॉप। ये एक मुख्तसर मुद्दत की हिकमत अमली है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी पेशा वराना डिग्री या मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की ज़रूरत हो। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म
एक मुख्तसर मुद्दत जो होती है। ट्रॉस टर्म स्ट्रेटेजी माने हिकमत अमली बोलते हैं। डज नॉट नेसेसरी और ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं ज़रूरी रिक्वायर नहीं है ये। प्रोफेशनल डिग्री, इसमें कोई पेशेवराना डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर प्लानिंग, मुस्तकबिल की मनसूबाबाजी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी सूरत में या दूसरी तरफ, अ करियर इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी, सफर को बोलते हैं जर्नी, लॉन्ग टर्म तवील और मुद्दत, लॉन्ग टर्म जर्नी इनसार करता है बेस ऑन वंस पैशन, पैशन शौक को बोलते हैं, किसी के शौक पर, फ्यूचर ग्रोथ मुस्तकबिल की तरक्की, एंड पर्सनल एडवांसमेंट जाती तरक्की। ठीक है, यहाँ तक ट्रांसलेशन करते हैं, वर्ड मीनिंग मैंने मतलब बता दिया आपको। दूसरी तरफ करियर एक तवीलुल मुद्दती सफ़र है जो किसी के शौक, मुस्तकबिल की तरक्की और जाती तरक्की पर मुबनी है। तो इस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, छठा सेंटेंस, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। फॉर अ करियर कॉमा वन नीड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, किस खास लेवल हद तक की तालीम की ज़रूरत होती है ना, आप प्रोफेशनल डिग्री हो की ज़रूरत होगी या एटलीस्ट कम से कम डेफिनेट स्किल सेट या किसी हुनर की। चलें अब मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ। कैरियर के लिए किसी को एक ख़ास लेवल लिखा सत्ता या नोयत भी कह सकते हैं, एक ख़ास नोयत की तालीम यानी पेशेवराना डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, या कम अज़ कम एक मखसूस हुनर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एटलीस्ट अ डेफिनेट स्किल सेट। तो ये इसका पैराग्राफ नंबर वन मुकम्मल कर दिया हमने। अब चलते हैं इसका पैराग्राफ नंबर टू, फिर इसके सवाल के जवाब देंगे। पैराग्राफ नंबर सेकंड, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू व्हाइल चूजिंग अ करियर इज टू मेक श्योर इट इंटरेस्ट यू। सेंटेंस नंबर वन, पैराग्राफ नंबर टू का मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। कैरियर का इंतखाब करते वक्त आपको सबसे पहले ये यकीनी बनाना चाहिए कि ये आपको दिलचस्पी दे। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं इसका, इफ़ यू फील पैशनेट अबाउट साइंस और फैशन डिज़ाइनिंग और लिटरेचर और एस्ट्रोनॉमी और बिजनेस कॉमा देन opt for it without caring what others choose। ये सेकेंड सेंटेंस पूरा हो गया, इसकी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। अगर आप साइंस, फैशन डिज़ाइनिंग, अदब, फलकियात या कारोबार के बारे में पुरजोश महसूस करते हैं तो बगैर इस बात की परवाह किए कि दूसरे क्या चुनते हैं इसे अपनाएं, यानी दूसरे कौन से पेशे में जाते हैं, किसका इंतखाब करते हैं, आप अपने शौक के मुताबिक अपनाएं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, मैनी स्टूडेंट्स चूज अ पर्टिकुलर फील्ड बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स कॉमा द इंसिस्टेंस ऑफ फैमिली कॉमा पीयर प्रेशर और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अदर चॉइसेस एंड नॉट बिकॉज ऑफ देयर जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। फील्ड मैदान को बोलते हैं, यानी किसी पेशे के मैदान जो होता है, फील्ड फुल स्टॉप। चलें इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत से तलबा किसी खास शोबे का इंतखाब मौजूदा समाजी रुझानात, ख़ानदान के इसरार, दोस्तों के दबाव या दीगर इख्तियारात के बारे में मालूमात की कमी की वजह से करते हैं, ना कि इस शोबे में इनकी हकीकी दिलचस्पी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं इसका। अल्टीमेटली यानी आखिरकार, अल्टीमेटली कॉमा आफ्टर सम टाइम दे फाइंड नो मोटिवेशन टू कंटिन्यू फुल स्टॉप। आखिरकार कुछ अरसे के बाद उन्हें
जारी रखने की कोई तहरीक नहीं मिलती, यानी हौसला अफजाई नहीं मिलती। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, इन द लॉन्ग रन कॉमा दिस लैक ऑफ मोटिवेशन लीड्स टू डिससेटिस्फेक्शन एंड नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस फुल स्टॉप। लंबे अरसे में हौसला अफजाई की इस कमी से अदम इत्मीनान और मनफी जज्बाती तजर्बात का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस एंड आखिरी सेंटेंस लग रहा है ये, एवरी फील्ड ऑफर सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन टू एनीवन हुज कप ऑफ टी इट इज एंड हु एक्सरसाइज इन इट बाय पुटिंग हिज हार्ट एंड सोल इन इट फुल स्टॉप। एक एक वर्ड मैंने अलग हल्के हल्के पढ़ा है, इसका ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। हर शोभा इस शख्स को कामयाबी और इत्मीनान फराहम करता है जिसका इसे शौक है और जो इसमें पूरी लगन और जान लगाकर मेहनत करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने पूरा पैसेज पढ़ दिया है और इसकी ट्रांसलेशन भी करी है, इसके मतलब भी बता देंगे जो कुछ मुश्किल अल्फाज होंगे। अभी इसके नीचे कुछ सवाल दिए हैं जिनके हमने जवाब देने हैं आपने इम्तहान में। पहला सवाल है, नंबर ए में दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड कैरियर, जॉब और कैरियर के दरमियान में क्या फ़र्क है, यह आपने बताना है एग्जामिनर को लिखकर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड कैरियर, इसके पहले पैराग्राफ में जॉब एंड कैरियर का ही फ़र्क के बारे में बात की गई है। नंबर बी, व्हाट आर द फैक्टर्स अवामिल होते हैं दैट यूजुअली प्ले अ रोल, वो कौन से अवामिल होते हैं जो रोल प्ले करते हैं व्हेन द स्टूडेंट्स डिसाइड अबाउट देयर कैरियर, जिस वक्त स्टूडेंट अपना कैरियर डिसाइड करता है वो कौन से अवामिल है जो फैक्टर्स को दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है, वो ही सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिस शोबे के अंदर आपका इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट को आपको अपनाना चाहिए, लोग किसको च्वाइस करते हैं उसके पर मत जाना चाहिए। नंबर जो है डी, व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू चूज एंड व्हाई, इसका जवाब आप लिखेंगे, मैं जवाब नहीं लिखूंगा, अभी सी मैंने छोड़ दिया पढ़ने से, अभी पढ़ता हूँ। व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू चूज एंड व्हाई, कि कौन से कैरियर का इंतखाब आप जो है करना चाहते हैं या करते हैं और क्यों करते हैं, ये आपने बताना है। हर इंसान का अपना अपना इंतखाब होता है कैरियर का, लेकिन इसका जवाब आप इसमें से आपने इससे हट के खुद लिखना है, लेकिन वो ही लिखिएगा जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस कैरियर में आपका इंटरेस्ट हो, भले आपके वालदेन कुछ भी कहते हो, दोस्त कहीं किसी भी शोबे में ले जाना चाहते हैं, क्लास फेलो किसी भी दोनों जुम्मे बताते हैं, लेकिन आपका शौक जिस फील्ड में होगा आप उस कैरियर को अपनाइएगा, बताइए उसमें रीज़न बताइएगा कि मैंने ये कैरियर इसलिए अपनाया है क्योंकि मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है, शौक है, मैं इसमें अपनी लगन के साथ कर सकता हूँ। इसका जवाब आप लिखेंगे डी का, सी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, बाकी ए बी सी डी छोड़ के ई एफ का जवाब मैं लिख दूंगा, एक आप पे छोड़ देता हूँ। सी, व्हाट आर द फैक्टर दैट शुड एक्चुअली कम इनटू प्ले व्हेन अ स्टूडेंट मेक्स अ चॉइस अबाउट हिज और हर कैरियर, जब एक तालिबे इल्म अपने कैरियर के बारे में कोई इंतखाब करता है तो वो कौन से अवामिल हैं जिनको हकीकत में अमल में लाना चाहिए, ये जवाब मैं लिखवा दूंगा आपको। ई, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये बताना है इसके अंदर एक दो तीन तीन स्टेटमेंट दिए, कौन सा स्टेटमेंट झूठा है और कौन सा स्टेटमेंट सच्चा है, यानी ट्रू माने सच्चा, फॉल्स माने झूठा। स्टेटमेंट नंबर एक, अ स्टूडेंट शुड गो फॉर अ कैरियर विच अ स्टूडेंट शुड गो फॉर अ कैरियर विच हिज इंटेलिजेंट क्लास फेलो चूज, ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट को उस कैरियर को इंतखाब करना चाहिए जिसमें उसके जहीन क्लास फेलो जो है इंतखाब कर रहे हैं, ये इसका आंसर में आप फॉल्स लिखेंगे। हर इंसान को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कैरियर को इंतखाब करना चाहिए, ना कि उसके क्लास जो इंटेलिजेंट जहीन क्लास फेलो हैं वो इंतखाब कर रहे हैं, वो नहीं, ये एज अ फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका आंसर में लिखेंगे फॉल्स, एफ ए एल एस ई। दूसरा, एवरी प्रोफेशन
हर पेशा कैन बी एवरी वंस कप ऑफ टी, हर पेशा हर एक के लिए कप ऑफ टी होता है, नहीं हर पेशा अलग अलग हर एक के लिए कप ऑफ टी नहीं होता, ये भी फॉल्स लगाइएगा या निशान। मैं वैसे करा दूंगा अभी आपको हल। वर्क बिकम्स एंजॉयमेंट व्हेन इट इज अ वर्क ऑफ योर इंटरेस्ट, काम वही अच्छा होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, आप उसी में अच्छा काम करेंगे, उसी में इंजॉय करेंगे, उसी में लुत्फ हासिल करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो लिहाजा ये ट्रू है, बिल्कुल सही, सच बात है ये, इस स्टेटमेंट को चलते हैं। एफ, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द अबव पैसेज फॉर द मीनिंग गिवन बिलो, यहाँ जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं, मीनिंग दी गई है, ऊपर पैसेज में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनकी मीनिंग दी गई है, अब वो कौन से अल्फाज हैं वो इनके आगे लिखने हैं आपने। बिगिनिंग के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो आप लिखिएगा, आपने हमने पढ़ते वक्त देखा था बिगिनिंग के लिए जो है वर्ड आ रहा था एम्बार्किंग का लफ्ज़ आ रहा था, आंसर में इसके आगे लिख दिएगा एम्बार्किंग। प्रोग्रेस के लिए कौन सा अल्फाज हुआ, हमने सब देखा था सफ़र जर्नी का लफ्ज़ आ रहा था वो लिख दिएगा। सैलेड का है, प्लान का है, रियल का है, ये मैं अपने आंसर लिखूंगा ना जब बता दूंगा, तो मैंने आपको बता दिया सैलेड। फिर क्वेश्चन नंबर टू है इसी पैसेज का, राइट डाउन द समरी ऑफ द अबव पैसेज, जो ऊपर पैसेज आपको दिया गया है उसकी समरी लिखें। इस तरह 30-35 नंबर का ये दोनों मिला के सवाल बन जाएंगे आपके, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसके अंदर जो कुछ वर्ड इस्तेमाल हुए थे मैं उसका मतलब बताते चलो आपको सामने, फिर उसके बाद आंसर दूंगा मैं। अब इसमें एम्बार्किंग का लफ्ज़ इस्तेमाल है जिसके माने शुरू करना, एक जर्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके माने सफ़र, कैरियर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कैरियर के मतलब उर्दू में भी कैरियर ही बोलते हैं, यानी मुस्तकबिल बनाने को बोलते हैं ना। ओके, फिर एसेंशियल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके माने ज़रूरी के हैं, डिफरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके माने फ़र्क, जॉब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर नौकरी के माने हैं, अर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कमाना, फुल टाइम का वक्त पूरा वक्त, मेक लिविंग का माने हैं गुजारा करना, इसमें इस्तेमाल हुआ है पैराग्राफ में, पार्ट टाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पार्ट टाइम ही मतलब, सपोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मदद, स्टूडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तालिबे इल्म में, अकेडमिक टर्म का मतलब तालीमी मुद्दत, शॉर्ट टर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुख्तसर मुद्दत, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है हिकमत अमली, नेसेसरीली का लफ्ज़ ज़रूरी नहीं यानी इम्पोर्टेंस नहीं अहम नहीं, नेसेसरीली माने इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, अगर नहीं नॉट नेसेसरी लिखा है तो फिर ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी हो तो ज़रूरी नहीं है, खाली नेसेसरीली हो तो ज़रूरी है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, प्रोफेशनल डिग्री पेशावराना डिग्री जिसके माने होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग का मतलब होता है मुस्तकबिल की मंसूबंदी, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है तवीलुल मुद्दती, पेशन का मतलब होता है PASSIONS का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, पेशेंस माने शौक, फ्यूचर ग्रोथ का मतलब है मुस्तकबिल की तरक्की, पर्सनल एडवांसमेंट का मतलब इस्तेमाल हुआ है ज़ाती तरक्की, सर्टेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खास, एजुकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तालीम, स्किल सेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके महारत या हुनर के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरेस्ट का लफ्ज़ दिलचस्पी के लिए इस्तेमाल हुआ है, पेशनेट का लफ्ज़ पुरजोश, केयरिंग माने परवाह करना, डिससेटिस्फेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अदम इत्मीनान, लॉन्ग रन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इसके माने लंबे अरसे में, कंटिन्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जारी रखना, जीनियन का लफ्ज़ इस्तेमाल है जिसकी मीनिंग है हकीकी असली, मोटिवेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल है हौसला अफजाई, मोटिवेशन माने हौसला अफजाई, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन का माने अदम इत्मीनान। ये वोकैबुलरी जो वर्ड इस्तेमाल हुए मैंने आपके सामने बता दिए, अब मैं इनके आंसर आपके सामने रखता हूँ स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे उर्दू नहीं बताऊँगा, आंसर बता रहा हूँ, उर्दू ट्रांसलेशन मैंने सब बता दी है, आंसर एक आंसर है, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, मैंने पढ़ के पहले बता दिया था आंसर, क्वेश्चन जो था अभी आपके सामने वैसे पढ़ देता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ कैरियर, तो आंसर लिखा मैंने द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ कैरियर इज दैट अ जॉब इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी टू अर्न मनी कॉमा वाइल अ कैरियर इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी बेस्ड ऑन वंस पेशेंस एंड फ्यूचर गोल्स, ठीक है, ये आंसर लिखिएगा, आंसर नंबर बी में क्वेश्चन तो मेरा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यूजुअली प्ले अ रोल व्हेन द स्टूडेंट डिसाइड अबाउट देयर कैरियर, तो ये फैक्टर्स हैं जिसमें स्टूडेंट
डिसाइड करते हैं अपने करियर का, द फैक्टर दैट यूजुअली प्ले अ रोल व्हेन स्टूडेंट्स डिसाइड अबाउट देयर करियर आर प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स कॉमा द इंसिस्टेंस ऑफ फैमिली कॉमा पीयर पीयर इंसिस्टेंस ऑफ फैमिली पीयर प्रेशर माने दोस्तों का भी प्रेशर होता है, फैमिली का भी प्रेशर होता है, एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इल्म का फुकदान होता है अबाउट अदर चॉइसिस दूसरी चॉइसिस के बारे में, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब सी का आंसर मैं लिख रहा हूँ, डी का आप लिखेंगे आंसर, ठीक है। सी में सी का है द फैक्ट, सी का सवाल पढ़ रहा हूँ आपको ताकि आपके सामने सवाल में बस सी का सवाल है, व्हाट आर द फैक्टर दैट शुड एक्चुअली कम इनटू प्ले व्हेन अ स्टूडेंट मेक्स अ चॉइस अबाउट हिज और हर करियर। इसका आंसर सी का मैं लिख रहा हूँ, द फैक्टर दैट शुड एक्चुअली कम इनटू प्ले व्हेन अ स्टूडेंट मेक्स अ चॉइस अबाउट हिज और हर करियर आर पर्सनल इंटरेस्ट कॉमा पेशन कॉमा फ्यूचर ग्रोथ कॉमा एंड पर्सनल एडवांसमेंट, ज़ाती तरक्की फ्यूचर तरक्की पेशन शौक इंटरेस्ट दिलचस्पी होती, पर्सनल इंटरेस्ट ज़ाती दिलचस्पी होती है, करियर इस ये मैंने मतलब सारे बता चुके हैं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है। फिर ई के आंसर है, मैंने तीन स्टेटमेंट अभी पढ़ के बताए थे, जब आपको पढ़ के बताया था कि क्वेश्चन नंबर ई के अंदर कहा था स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, पहला स्टेटमेंट था स्टूडेंट शुड गो फॉर अ करियर विच हिज इंटेलिजेंट क्लास फेलोज चूज, जिसमें कहा था स्टूडेंट्स को उसी करियर को अपनाना चाहिए जिसमें उसके जहीन क्लास फेलो अपनाते हैं, तो हमने इसको इसका आंसर लिखा है फॉल्स, नहीं स्टूडेंट को वो करियर अपनाना चाहिए जिसमें उसकी दिलचस्पी होती है, ना कि दूसरे क्या अपना इंतखाब कर रहे हैं उसको उससे कोई गर्ज नहीं होती, उसको अपने जिस शोबे में उसको जिस फील्ड में उसका शौक है वो अपनाए, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट था उन्होंने एवरी प्रोफेशन कैन बी एवरी वंस कप ऑफ टी, हर प्रोफेशन जो है हर एक के लिए कप ऑफ टी होता है, नहीं इसके लिए हमने फॉल्स कर दिया, कभी भी प्रोफेशन कप ऑफ टी नहीं होता, उसमें बड़ी मेहनत और लगन होती है, बहुत टाइम एक सफ़र होता है ले आता है। नंबर थर्ड में था आपको वर्क बिकम्स एंजॉयमेंट व्हेन इट इज़ अ वर्क ऑफ योर इंटरेस्ट, काम जब भी किसी काम में जब भी आपको दिलचस्पी मिलेगी लुत्फ आएगा मज़ा आएगा जब वो काम आपकी अपनी दिलचस्पी से मुतालिक हो, तो ये ट्रू है, ये हमने ई का भी आंसर आपको दे दिया है। एफ का आंसर्स, एफ में 1 2 3 4 5 वर्ड दिए, बिगनिंग का मतलब एम्बार्किंग शुरू करना आगाज करना, प्रोग्रेस माने जर्नी सफ़र, सेलेक्ट ऑफ माने इंतखाब करना, ठीक है, प्लान मंसूबा होता है, फ्यूचर प्लानिंग फ्यूचर की मंसूबंदी करनी है, रियल माने जीनियन, ये वर्ड इन्होंने मीनिंग दे दी है, ये वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं पैसेज के अंदर, ये जीनियन के माने होते हैं रियल के, फ्यूचर प्लानिंग के माने प्लान के होते हैं, मंसूबे के ऑप के माने सेलेक्ट के होते हैं, जर्नी के माने प्रोग्रेस कामयाबी के होते हैं आगे बढ़ने के होते हैं, एम्बार्किंग माने बिगिनिंग शुरू करना आगाज करना, ये सवाल में ये वर्ड ये पैराग्राफ के अंदर वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन सवाल में जो आपको दिए वर्ड वो इसकी उनकी मीनिंगें दे दी, आपसे कहा कि इनके पैसेज के अंदर वर्ड तलाश करो जो इस्तेमाल हुए हैं, बिगिनिंग की जगह कौन सा वर्ड है, एम्बार्किंग हुआ है, प्रोग्रेस के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जर्नी हुआ है, सेलेक्ट के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ऑप्ट हुआ है, प्लान के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर प्लानिंग, रियल के लिए जीनियन, ठीक है। ये हो गए हमारे एफ तक के सवाल, सिवाय डी का आंसर आपने देना है, क्योंकि आपने हर स्टूडेंट ने अपना अपना अलग पेशा का इंतखाब करना है, कौन सा पेशा है वो उसने सब लिखना है, लेकिन उसके रीज़न में हमेशा वो यही लिखेगा कि दिलचस्पी उसकी लगन है वो उसका शौक रखता है पेशन रखता है इसके अंदर, ठीक है। समरी क्वेश्चन नंबर टू, इसका इंग्लिश का उसका क्वेश्चन नंबर टू मैंने पढ़ के सुना दिया था, अब उसकी समरी दिस समरी है, दिस पैसेज डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग अ करियर बेस्ड ऑन योर ओन इंटरेस्ट एंड गोल्स rather than external factors such as social pressure,
और फैमिली एक्सपेक्टेशन फुल स्टॉप. इट एम्फेसिस दैट अ करियर शुड बी अ लॉन्ग टर्म जर्नी होता है दैट ब्रिंग्स यू सेटिस्फेक्शन एंड फुल टाइम टैलेंट. इसमें ये बताया गया स्टूडेंट को वो पेशा इख्तियार करना चाहिए जिसमें वो दिलचस्पी रखता है, पेशन रखता है, ठीक है. बट उसके ऊपर प्रेशर तो होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर होता है. उस प्रेशर को उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन वो अपने उसी पेशे को इख्तियार करें जिसमें वो दिलचस्पी रखता है, ठीक है ना. जो और ये भी बताया कि कैरियर जो है इट एम्फेसिस दैट अ कैरियर शुड बी अ लॉन्ग टर्म जर्नी, एक तवील मुद्दती सफ़र होता है कैरियर, एक दो दिन में नहीं होता है. दैट ब्रिंग्स यू सेटिस्फेक्शन एंड फुल फिलमेंट. इतना बड़ा ये सफ़र होता है कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है. अगर आपकी दिलचस्पी मुताबिक नहीं होगा तो आप बोर होंगे, उतारेंगे, छोड़ देंगे. या तो ऐसा पेशा है जिससे पूरे सफ़र तक आपको दिलचस्पी हासिल होगी, इसकी समरी है, ठीक है स्टूडेंट्स. हमने आप वर्ड मीनिंग भी बता दी है. वक्त चूँकि ज़्यादा लग रहा है, हम ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहे. हमने तेज से पढ़ा है, इसको बताया है आपको, वरना और भी इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसकी, लेकिन वक्त ज़्यादा है. तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मुख्तलिफ लोगों को. जितनी तेज़ी से हमारा चैनल ग्रो करेगा, हम आपको और इंग्लिश के जितने ज़्यादा ज़्यादा पेपर हैं सॉल्व करते चले जाएंगे. अगर आप कोई अकाउंटिंग में चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, तो बताएं हमें. अगर इंटर के स्टूडेंट भी इसमें है, वो चाहते हैं कि हम इंटर के भी टेक्स्ट बुक का बनाएं या मैट्रिक की टेक्स्ट बुक का बनाएं, अगर वो हमें मैसेज करेंगे तो हम बनाएंगे. फिलहाल हम इसी का बना रहे हैं. और क्लासों के लोग जो अपनी इंग्लिश का, चूँकि ये टॉपिक इंग्लिश का है, हमारा चैनल इंग्लिश का है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक वगैरह जो हमारे पास अवेलेबल भी हो सके तो हम उसका करेंगे. अगर कोई पेपर इंग्लिश का आया आपके पास है तो आप हमें भेजें, हम उसकी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो चलते हैं, तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.